है माइनस माइनस 24, सी लिखा है माइनस 28, डी लिखा है माइनस माइनस का 30। सबसे छोटा कौन सा? देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 40, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 24, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 28, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 30। इन चारों में सबसे छोटा कौन है? इन चारों में सबसे छोटा कौन है? इवेल्यूट में क्या है? 23 माइनस 19 डिवाइडेड 21 प्लस माइनस 6 माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई 90। इसको सॉल्व करना है हमें, ये थर्ड फर्स्ट वाला है ना। हाँ देखिए बेटा इधर क्या हो जाएगा, 23 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 23 प्लस 19 डिवाइडेड 21 प्लस, अच्छा माइनस 6 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई 19। अच्छा 23 प्लस 19 कितना होता है? 42 होता है, मैंने 42 लिख दिया। डिवाइडेड इधर कितना है 21 प्लस, अच्छा माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है तो क्या आएगा माइनस का 2 आएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की डिजिट क्या है, बड़ी है, मल्टीप्लाई 19। अच्छा डिवाइड पहले होता है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग, तो डिवाइड करेंगे 42 डिवाइडेड 21 तो 2 आ जाएगा प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 19। ठीक है, अच्छा ये बताइए 2 मल्टीप्लाई करेंगे 19 का 2 में तो कितना आएगा, 19 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कितना आएगा बेटा, माइनस का 38 आएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का 36, ये आंसर हो जाएगा। हेलो अपनी आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? अच्छा, ठीक है, बोर्ड क्लियर दिख रहा है कि नहीं? अच्छा, मैं ये लेकिन पीछे आंसर कुछ और आ रहा है इसका, इधर कुछ और आ रहा है क्या, क्वेश्चन मैंने गलत उतारा है क्या, एक मिनट चेक करने दो। माइनस 19 डिवाइड 21 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 4, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो मल्टीप्लाई लगा है बेटा वो बाहर लगा है, सॉरी मैंने, ये जो मल्टीप्लाई है वो ऐसे में है, पूरे में है, पूरे में ऐसे है ना, पूरे में मल्टीप्लाई लगा है। देखिए बेटा हाँ प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, टू में से टू गया तो क्या आएगा जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई 19 में करेंगे तो क्या आएगा जीरो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला देखते हैं हम लोग, 13th का सेकंड वाला।
13 के सेकंड वाले में लिखा है, अभी अभी क्लास में कितने बच्चे हैं? नाइन प्लस सिक्स माइनस फोर डिवाइडेड टू माइनस फोर इक्वल टू सिक्स. हमें बताना है पुट इन द ब्रैकेट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू मेक इट ट्रू. हमें इधर ब्रैकेट लगाना है जिससे क्या बन जाए, सही हो जाए. क्या हो जाए, ये सही बने. सॉल्व करते हैं. अच्छा बताइए बेटा, अगर हम इधर ब्रैकेट लगाते हैं तो 9 प्लस 6 कितना होगा, 15. 15 में 15 होगा. देखो 9 प्लस 6 कितना होगा, 15. 15 और 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2. ठीक है ना, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस का 4. 15 में से 6 जाएगा तो 9 आएगा. मतलब इधर हमें 9 तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, 6. मतलब इधर ब्रैकेट नहीं लगेगा. ठीक है ना, हम कहीं और ब्रैकेट लगाते हैं. अच्छा इधर ब्रैकेट लगा के देखते हैं. ठीक है, आप देखते हैं 9 प्लस 6 कितना होता है, 15. 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बेटा, 2 माइनस का 4. अभी भी नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या? 15 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा बेटा, 15 में से 6 जाएगा तो 9 आएगा. लेकिन हमें 9 तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए. तो इधर भी ब्रैकेट नहीं लगेगा. ठीक है ना, इधर लगा के देखते हैं. अच्छा 9 प्लस 6 में से 4 गया तो क्या आएगा बेटा, 2 डिवाइडेड 2 माइनस 4 इक्वल टू 6. 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1. 2 में से 2 डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, माइनस का 4 इक्वल टू 6. क्या बेटा 9 प्लस 1 कितना होता है, 10 होता है. 10 माइनस 4 इक्वल टू 6. 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा. दोनों साइड 6 आया, इसका मतलब ब्रैकेट कहां लगना चाहिए, इधर लगना चाहिए. तो आंसर इज, आंसर क्या है, 9 प्लस 6 माइनस 4 डिवाइडेड 2 माइनस 4. मतलब ब्रैकेट कहां लगा बेटा, ब्रैकेट आपका लगा है 6 और 4 के बीच में. 6 और 4 में ब्रैकेट लगा है, क्योंकि इधर ही ब्रैकेट लगाने पर हमें क्या मिल रहा है, आंसर मिल रहा है 6 मिल रहा है. सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है, देखिए बेटा इसमें लिखा है एक ग्रैंड ओपनिंग वीकेंड था रेस्टोरेंट का. रेस्टोरेंट ओपन हो रहा था कहीं पर, नया रेस्टोरेंट. गेव एवरी 8 कस्टमर अ फ्री ड्रिंक. हर 8 कस्टमर को वो क्या देता था, फ्री में ड्रिंक देता था. मतलब कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऐसा कुछ ड्रिंक देता था. हर बारह में कस्टमर को क्या देता था, वो स्नैक्स देता था कुछ खाने को. और हर 15th कस्टमर को क्या देता था, आइसक्रीम देता था. पिच कस्टमर वॉज द फर्स्ट टू रिसीव ऑल द 3 आइटम. ऐसा कौन सा कस्टमर था जो ये तीनों आइटम जिसको मिलेंगे, ऐसा कौन सा कस्टमर है जिसको ये तीनों आइटम मिलेंगे. देखिए क्या है, एवरी 8th कस्टमर, एवरी 12th कस्टमर, एवरी 15th कस्टमर. तीनों का एलसीएम निकालेंगे, जो इनका एलसीएम आएगा वही एक ऐसा पहला कस्टमर होगा जिनको ये तीनों आइटम साथ में मिलेंगे. 2 से करता हूं, 4, 6, 15. फिर 2 से करता हूं, 2, 3, 15. फिर 2 से करता हूं, 1, 3, 15. फिर 3 से करता हूं, 1, 1, 5. फिर 5 से करता हूं, 1, 1, 1. ठीक है ना, तो एलसीएम कितना आया हमारा,
कितना आएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 8 × 3 = 24, 24 × 5 = 120 आंसर आएगा। तो ऐसा कौन सा कस्टमर होगा, कौन से नंबर का कस्टमर होगा जिनको ये तीनों आइटम मिलेंगे, 120th वाला कस्टमर, जो 120 नंबर पे कस्टमर आएगा, 120 नंबर पे जो कस्टमर आएगा उसको आइसक्रीम भी मिलेगी, स्नैक भी मिलेगा और ड्रिंक भी मिलेगी। तो द रिक्वायर्ड आंसर who get all the three items equal to 120th customer, ठीक है ना, किसको मिलेगा, 120th नंबर वाले को मिलेगा। अच्छा, सेकेंड नंबर पे लिखा है If 385 customers walked into the restaurant that weekend, ठीक है, how many of them receive all three item? देखो बेटा, 385 customers उस दिन आए, तो कितने लोगों को तीनों आइटम मिले? देखिए, पहले मैं क्या करूंगा, 385 को 120, क्योंकि 120 वाले को ही मिल रहे हैं ना, 120 वाले को ही क्या मिल रहा है, तीनों आइटम मिल रहे हैं जो 120 की टेबल में आते हैं। तो हम 120 से 385 को डिवाइड करते हैं तो कितने बार, 3 बार, 360 होता है 25। तो कितने कस्टमर को तीनों आइटम मिले, तीन कस्टमर को, कितने कस्टमर को मिले थ्री आइटम, तीन कस्टमर को। तो The number of customer receive all the three items is equal to 3, ठीक है ना, कितने कस्टमर को थ्री आइटम मिले, सिर्फ थ्री। हमें मैन कितने दिए हैं, मैन कितने हैं, 1, 90, 40, 102। मैं भी यार बता रहा हूं बेटा इस क्वेश्चन का मतलब, है ना, मैं एक मिनट, वुमेन कितने हैं बेटा, वुमेन है 1, 00, 37, 893। टोटल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है ना, इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आप जानते हो बेटा 3 + 2 = 5 होता है, 9 में 0 ऐड किया तो 9 होता है, 8 + 1 = 9 होता है, 7 में 0 ऐड किया 7, 3 + 4 = 7, 0 + 0 = 0, 9 + 9 और 8, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं बेटा कैसे करना, अभी हमने समझाया नहीं आपको, बस देखते जाओ अभी, फिर मैं समझाऊंगा। अच्छा, हमें ये बताइए, ये मैन है, वुमेन, अच्छा टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है बेटा, हाँ बिल्कुल करना है, नोट करोगे तभी तो आप लोग फेयर कॉपी में कर पाओगे, है ना, 4, 90, 50
कॉमा 102, ठीक है। मैन एंड वुमेन कितने हैं? मैन एंड वुमेन कितने हैं बेटा? 2,90,77,995, इनको माइनस करो, इधर आएगा 7, इधर 0, इधर 1, ठीक है ना, इधर 2, इधर 7, इधर 9, ठीक है ना, मैं और इधर 9 और इधर 1, ठीक है। आप देखिए, मैं अभी अब बता रहा हूं बेटा, अभी समझाया नहीं है, समझा रहा हूं, है ना। देखिए, हेंस टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू 1,99,72,107। देखिए बेटा क्या है, एक कोई गांव या कोई शहर है, वहां पर टोटल आदमी कितने रहते हैं? इतने रहते हैं। टोटल वुमेन कितनी रहती है? इतनी रहती है। तो वुमेन एंड मैन का मैंने क्या किया? टोटल किया। अच्छा, अगर मैं उस गांव की, उस विलेज की टोटल पॉपुलेशन में से मैन एंड वुमेन को माइनस कर दूंगा, मैन एंड वुमेन को माइनस कर दूंगा, तो हमें क्या मिलेंगे? चिल्ड्रन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? चिल्ड्रन मिलेंगे। तो मैंने चिल्ड्रन ही निकालना था, तो मैंने चिल्ड्रन निकाल लिया। मैंने क्या किया, मैन और वुमेन को ऐड किया और टोटल पॉपुलेशन में से उसमें से माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिले? चिल्ड्रन मिले। तो ये आंसर आ गया चिल्ड्रन, ठीक है ना। आगे देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट दिस इन वर्ड्स एज अ नंबर इन द इंटरनेशनल सिस्टम। आपको वर्ड्स में लिखना है और वो भी इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। किस सिस्टम में लिखना है? इंटरनेशनल सिस्टम। देखिए, नंबर क्या है? 1,99,72,107। पहले इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा लगाऊं? लगा लिए, ठीक है ना। अब देखिए, मैं वर्ड्स में लिखता हूं, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000। ये 10,000,000 की कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो इसको क्या लिखेंगे? 19,972,100 7. क्या लिखा है? 19,972,107, ठीक है ना। अच्छा, आगे देखिएगा, इसी का थर्ड वाला, थर्ड वाले में लिखा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द टू सेवेंस इन दिस नंबर। इस नंबर में दो सेवन आ रहे हैं, देखिए थर्ड वाला, प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 7। देखिए, एक 7 ए है, इसके बाद कितनी डिजिट है? 1, 2, 3, 4,
तो मैंने लिखा 740 लगा दिया मल्टीप्लाई, एक 7 यूनिट प्लेस पर है और यूनिट प्लेस का 7 7 ही होगा, उसका प्लेस वैल्यू सेम होती है, यूनिट प्लेस की प्लेस वैल्यू सेम होती है, वही डिजिट होती है, उसमें कोई भी जीरो नहीं लगता है क्योंकि उसके बाद एक भी डिजिट नहीं होता है। 7 7 का कितना होगा 49, हाउ मेनी जीरोस 1 2 3 4, दिस इज योर आंसर। फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखवाता हूं मैं, देखिए लिखते जाना आप लोग डेफिनेशन। फ्रैक्शन इज अ नंबर, फ्रैक्शन इज अ नंबर विच एक्सप्रेसेस रिदिमा हेलो आप मुझे होस्ट बनाइए बेटा। फ्रैक्शन इज अ नंबर विच एक्सप्रेसेस द पार्ट of a whole, देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल में ध्यान, हाँ हाँ ठीक है गुड, ध्यान से देखना बेटा। जैसे मैंने लिखा 1/3 या मैंने लिखा 2/5, कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं, लाइक फ्रैक्शन होते हैं, इम्प्रॉपर होते प्रॉपर, वो सब हम पढ़ेंगे। जैसे ये लिखा है टोटल इसके पार्ट कितने हैं 4, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया 1 को सेट कर दिया, तो इसको 1/4 से डिनोट कर सकते हैं ना, इसको किससे डिनोट कर सकते हैं 1/4 से, तो पूरे होल को नीचे लिखते हैं और उसके पार्ट को कहां लिखते हैं ऊपर लिखते हैं, पूरे होल को नीचे लिखते हैं और उसके पार्ट को कहां लिखते हैं ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नेगेटिव में नहीं होते हैं, है ना, नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं लिखते हैं। देखिए आगे, देखिए बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, सेकंड का इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होते हैं जैसे टू और मोर फ्रैक्शन हैविंग द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मैं एग्जाम्पल देकर अभी समझा रहा हूं आपको, मंडे को टेस्ट है आप लोगों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चैप्टर 4 का, है ना, हाँ हाँ। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है 1/2 and 2/4, अच्छा 2 और 4 को मैं काटूंगा तो 1/2 ही आएगा, 2 और 4 को मैं काटूंगा तो 1/2 ही आएगा, इसलिए क्या है आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये कौन से फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है ना। जैसे मैं एक और बता रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 4/5 and 8/10, क्या मैं 8/10 को 2 से काटूंगा
4 जा और 2 5 जा, अगर मैं 2 से काटूंगा तो ये क्या आ जाएंगे, 4 अपॉन 5 ही आ जाएगा। तो ए भी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नोट डाउन कर लीजिए बेटा,